वेलकम बैक, क्या हाल है। तो फाइनली आज अपने पास है लावा अग्नि 3 5G, जिसके बैक में भी आपको जो डिस्प्ले है वो देखने को मिलती है। और मैं इस फोन को भाई पिछले कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ, अच्छे से टेस्ट वगैरह हमने कर लिया है। और आज की वीडियो में हम लावा अग्नि 3 5G के 50+ हिडन फीचर एंड टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ। और बैक में जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, इसके अंदर भी बहुत सारे हिडन फीचर एंड टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप लोग लावा अग्नि 3 को ले रहे हो या लेने वाले हो, तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड वॉच करना। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर है सारे आपको बताऊंगा, जैसे कि कैमरा के अराउंड रिंग लाइट का इफेक्ट, कलर कस्टमाइजेशन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, एज लाइटिंग वगैरह वगैरह। बहुत सारे हिडन फीचर आपको इसकी फ्रंट डिस्प्ले और इसकी बैक डिस्प्ले में देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक वॉच करते रहिएगा, सारे फीचर्स के बारे में आपको बताते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर लो। लावा अग्नि 3 का जो मेन फीचर है वो रहा इसकी बैक सेकेंडरी डिस्प्ले, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो इसके फीचर के बारे में आपको बताता हूं। इसका सबसे पहला फीचर यह है कि आप लोग बैक कैमरा को सेल्फी के लिए यूज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। यहां मैंने बैक कैमरा को ओपन किया, बैक कैमरा से मैं सेल्फी ले सकता हूं, वीडियो रिकॉर्ड करनी है वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूं, और हाई क्वालिटी के अंदर यहां पर आप लोग बैक कैमरा से जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो और साथ में देख भी सकते हो। तो ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो ये फीचर काफी काम आएगा, ये डिस्प्ले बहुत ही अच्छी काम आती है। पोर्ट्रेट मोड में मैं यहां पर फोटोज वगैरह बैक कैमरा से क्लिक कर सकता हूं, जिससे भाई आप लोगों को जो पोर्ट्रेट मोड के अंदर फोटो क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी है अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। सबसे पहला फीचर तो आपको बैक कैमरा में और जो बैक डिस्प्ले है उसमें ये देखने को मिलेगा। दूसरा फीचर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से आप लोग म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हो, उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हो। थर्ड फीचर, आप लोग यहाँ से स्टेप ट्रैकर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाओगे। फोर्थ फीचर, अगर आपने रिकॉर्डर लगाए तो आप लोग यहीं से रिकॉर्डर को भी ऑन कर सकते हो, आपको फोन को जो अनलॉक है उसको करने की जरूरत नहीं है। स्टॉप वॉच यहाँ से आप लोग लगा सकते हो, अलार्म आप लोग यहाँ सेट कर सकते हो, टाइमर आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हो। इसी के साथ कोई कॉल वगैरह आपको आ रही है तो आप लोग कॉल वगैरह वो यहां पर बैक डिस्प्ले से ही अटेंड कर पाओगे। तो काफी सारे फीचर यहां पर लावा ने ऐड करके दिए हैं, और लावा ने यह भी अश्योरेंस दी है कि जल्दी और फीचर भी इस मिनी डिस्प्ले के अंदर लावा ऐड करने वाला है। तो यहां पर इतने सारे फीचर आपको इस बैक डिस्प्ले में देखने को मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट फीचर की बात करें तो लावा अग्नि 3 के अंदर आपको ऐसा फीचर देखने को मिलता है जो फीचर आप लोगों को 80,000 के आईफोन 15 में भी देखने को नहीं मिलता, वो फीचर है एक्शन की का। अगर आप लोग राइट साइड में देखें तो यहां पर लावा अग्नि 3 आपको 2 बटन देखने को मिलते हैं। एक तो पावर बटन है, इसको प्रेस करके आपका फोन लॉक अनलॉक होगा, एंड उसके ऊपर आपको एक्शन की देखने को मिलती है। इसको सिंगल प्रेस करोगे यहाँ पर आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। अगर आप लोग इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप लोगों के फोन की जो फ्लैश लाइट है ऑन हो जाएगी, लॉन्ग प्रेस करके फोन की फ्लैश लाइट ऑफ हो जाएगी, एंड डबल टैप करके यहाँ पर आपका जो एक्शन की है वो ऑन हो जाएगी। और यहाँ से आप लोग इसकी जो कमांड्स वगैरह है वो सेट कर सकते हो, सिंगल पर कौन सी रखनी है, डबल पर कौन सी रखनी है, लॉन्ग प्रेस पर कौन सी रखनी है। तो ये फीचर भी आप लोग लावा अग्नि 3 के अंदर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको लावा अग्नि 3 के बैक में जो सेकेंडरी डिस्प्ले देखने को मिलती है उसको भी आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। सेटिंग को ओपन करो, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मिनी स्क्रीन सेटिंग का। इसमें आप लोग अगर आपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगाना जिसको आप लोग ऑन करके इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी लगा सकते हो। चार्जिंग एनिमेशन सेट करना, तो यहाँ पर काफी सारे एनिमेशन लावा ने चार्जिंग के ऐड करके दिए हैं। एक क्यूट पेट भी यहाँ पर लावा ने ऐड किया जो देखने में कुछ इस तरीके का लगता है, और ये जैसे आप लोगों की स्क्रीन ऑन होगी तो इस तरीके से यहाँ पर ये मूव भी करेगा, जो भाई देखने में काफी अच्छा लगता है। और भाई ये लावा का ही अपना एक पेट है, तो इन फ्यूचर लावा इसको अपडेट करके नए नए पेट्स जो है इसमें ऐड भी कर देगा। इसी के साथ अगर आप लोगों ने यहाँ पर पासवर्ड वगैरह सेट करना है अपनी मिनी स्क्रीन के ऊपर तो वो भी आप लोग कर सकते हो। स्क्रीन को ऑन करो एंड यहाँ पर क्लिक करके आप लोग जो पासवर्ड वगैरह है, न्यूमेरिक पैटर्न, वो आप लोग सेट कर सकते हो। यहाँ पर जो प्राइवेसी है उसका भी अच्छे से ध्यान रखा गया है, एंड पूरी जो आपकी बैक डिस्प्ले उसको आप लोग इस सेटिंग से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर की बात करें तो बहुत सारे बंदे कमेंट्स करते हैं कि भाई लावा के जो भी फोन्स हैं उनके अंदर ऊपर जो नेटवर्क स्पीड है इसको कैसे एनेबल करते हैं। तो ये करना बहुत ही आसान है, इसके लिए आपने जाना है फोन की सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर आपको डिस्प्ले का सेक्शन देखने को मिलेगा, इसको ऑन कर दो। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नेटवर्क स्पीड का, आपका ये ऑफ होगा, इसको आपने ऑन कर देना है। और ऑन करने के बाद ऊपर आपके फोन में जो नोटिफिकेशन पैनल है इसमें जो आप लोगों की नेटवर्क स्पीड है वो एनेबल हो जाएगी। लावा अग्नि 3 में आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी लावा ने यहाँ पर बहुत सारे जो कस्टमाइजेशन के फीचर वगैरह हैं वो ऐड कर दिए हैं। लेकिन उनको यूज करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, आपको यहाँ पर एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा वॉलपेपर एंड स्टाइल के सेक्शन से, जहां पर आप लोग अपने फोन को कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ से अगर आपने वॉलपेपर वगैरह चेंज करें तो आप लोग वॉलपेपर वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हो। और प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पर लावा ने काफी सारे वॉलपेपर ऐड करके दिए हैं, तो अगर आप लोग डेली एक भी वॉलपेपर बदलोगे ना तो भाई पूरा महीना या पूरे 1-2 हफ्ते आपके जो वॉलपेपर वगैरह हैं वो चल जाएंगे। और भी यहाँ पर काफी सारे वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर जो थीम की एसेंट है वो चेंज करना है, वो
वो कर सकते हो। अगर आपने डार्क थीम एनेबल करनी है वो कर लो। थीम्ड आइकन अगर आप लोगों को चाहिए कुछ इस तरीके के आपके वॉलपेपर जैसे ही आप लोगों को जो आइकन पैक्स वगैरह हैं वो देखने को मिले, वो भी आप लोग इस फोन में सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर की बात करें तो अगर आपने लावा अग्नि 3 को बाई कर लिया है और अपना डाटा इसमें डाल लिया है, एप्स वगैरह आपने यहाँ पर रख दी है, अब अगर आपने इस फोन के अंदर एप्स को उनको लॉक करना है तो यहाँ पर आवा ने जो ऐप है वही आप लोगों को दे दिया ऐप लॉक की, ऊपर आपको मिल जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोगों ने एप्स को अपने जिनको लॉक लगाना उनको लॉक लगा दो एंड ओपन द इनक्रिप्शन करके आप लोगों ने यहाँ पर जो पासवर्ड है वो सेट कर देना है और उसके बाद आप इस फोन के अंदर जो एप्स वगैरह है उनको लॉक कर पाओगे। इस फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है लेकिन कई बार बंदे बैटरी को बचाने के चक्कर में उसको 60 हर्ट्ज के ऊपर सेट करना चाहते हैं तो वो आप लोग इस फोन के अंदर भी कर सकते हो। उसके लिए आपने जाना है फोन की सेटिंग्स के अंदर, डिस्प्ले के सेक्शन में जाओ, यहाँ पर आप लोगों को जो ऑप्शन है स्क्रीन रिफ्रेश रेट का वो देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर 60 हर्ट्ज के ऊपर सेट कर सकते हो, 120 हर्ट्ज के ऊपर कर सकते हो या ऑटो आपका फोन ऑटोमेटिकली स्विच होता रहेगा 60 से 120 हर्ट्ज के बीच में, जिससे आपके फोन की बैटरी बचती भी रहेगी। इसी के साथ आप लोगों ने अगर इस फोन के अंदर एज लाइटिंग का फीचर ऑन करना है तो यहाँ पर आपको एज लाइटिंग के साथ साथ जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। इसको आपने सिंपली ऑन करना है, ऑन करने के बाद यहाँ पर कुछ लिमिटेड स्टाइल्स जो है वही आपको देखने को मिलते हैं तो इन्हीं को आप लोगों को जो लिमिटेड स्टाइल है इन्हीं को यूज करके जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अपने फोन के अंदर लगानी होगी। इसी के साथ एज लाइटिंग का जो फीचर है वो भी आपको देखने को मिलता है लेकिन भाई यहाँ पर बहुत सारे जो कलर्स हैं एज लाइटिंग के वो आपको देखने को मिल जाते हैं। मेनली फोन्स के 2-3 कलर होते हैं लेकिन लावा ने यहाँ पर पूरे 6 कलर्स जो हैं यहाँ पर ऐड कर दिया है तो इस फोन के अंदर आप लोग जो एज लाइटिंग और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो भी लगा सकते हैं। अब बहुत सारे बंदे देख रहे होंगे मैंने कैमरा के अराउंड ये क्या लगा के रखा है, तो भाई ये है रिंग लाइट और सबसे अच्छी बात ये है ये बैटरी को भी इंडिकेट करती है और आप भी अपने लावा के किसी फोन के अंदर इस तरीके जो रिंग लाइट है अपने कैमरा के अराउंड वो लगा सकते हो। अब इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऐप इंस्टॉल करनी होगी रिंग रिंग, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको सिंपली आपने ओपन करना है, ओपन करने के परमिशन मांगे अलाउ कर दो, ऑन कर दो, अपने हिसाब से यहां पर सेट करो। सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों को कलर्स मिल जाएंगे, कलर सेट कर लो और उसके बाद आपके फोन में भी इस तरीके की जो रिंग लाइट है ऑन हो जाएगी और जैसे जैसे आपके फोन की बैटरी फुल होगी ये बार फुल हो जाएगी, जैसे जैसे फोन की बैटरी कम होगी ये बार भी कम होती जाएगी, जो भाई पूरी बैटरी को भी इंडिकेट करती है, तो है ना ये भी कमाल का फीचर। वैसे तो लावा के इस फोन में आपको जो गूगल डायलर है वो देखने को मिलता है जिसमें अगर आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो तो यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है वो आ ही जाती है लेकिन लावा ने उसका भी सॉल्यूशन दे दिया है। लावा ने यहाँ पर अपना जो उसका ऑफिशियल डायलर है फोन वो भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसको आपने सेटस डिफॉल्ट करना है एंड डिफॉल्ट करने के बाद आप लोग इसमें अगर कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो तो यहाँ पर कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह जो है वो आपको सुनाई नहीं देगी एंड इसको डिफॉल्ट करने के बाद आप लोगों का जो फोन डायलर है इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसके ऐप इन्फो में जाना है एंड यहाँ से आप लोग इसको डिसेबल भी कर सकते हो। उसके बाद आपके फोन के अंदर एक ही डायलर रहेगा और उसमें आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग करोगे तो कोई अनाउंसमेंट या बीप की साउंड नहीं आएगी, तो यहाँ पर लावा ने ये अच्छी चीज की है। अब देखो लावा के इस फोन के अंदर अगर आपने लॉक वगैरह सेट करना है, अपनी होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन के ऊपर लॉक लगाना है, फिंगरप्रिंट लगाना है, पैटर्न रखना है, तो उसके लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग के अंदर, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का आपको सेक्शन मिलेगा, इसको ऑन कर लो एंड यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे डिवाइस अनलॉक का फीचर मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप लोग स्क्रीन का लॉक है स्वाइप पैटर्न पिन पासवर्ड रख सकते हो एंड उसी के नीचे आप लोग यहाँ पर फेस एंड साथ में जो फिंगरप्रिंट है वो भी रख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग लावा के किसी फोन में या लावा अग्नि 3 में जो स्क्रीन का लॉक है वो लगा सकते हैं और ऐप लॉक कैसे लगाना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इतना ही नहीं लावा ने इस फोन के अंदर जो स्पेशल फंक्शन है वो भी ऐड किए हैं। उसके लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग के अंदर, स्पेशल फंक्शन का अलग से फीचर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला फीचर रहा फ्लिप टू साइलेंट, अगर आप लोगों को कॉल आती है आप लोग अपने फोन को ऐसे करते हो आपका फोन साइलेंट हो जाएगा। स्मार्ट आंसर, आपने इसको ऑन कर दिया, कॉल आई आपको ऐसे स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, फोन को सीधा कान के ऊपर लगाओ एंड आपका फोन पिक हो जाएगा। साथ में आप लोगों को यहाँ पर जो नोटिफिकेशन वगैरह आती है आपकी स्क्रीन ब्रेक हो ना हो वो देखने को मिल जाता है। ऐप लोन का जो फीचर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। साइड बार, अगर आप लोगों ने अपने फोन के अंदर साइड बार वगैरह इसको ऑन करना है उसको आप लोग कर सकते हो। इस तरीके से आप लोग अपने फोन की जो साइड बार है उसको निकाल सकते हो जिससे मल्टीटास्किंग करना और भी आसान हो जाता है। उसी के साथ यहाँ पर आप लोगों का ऐप लॉक, रैम एक्सपेंशन का जो फीचर है वो भी इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है जिससे आप लोग अपने फोन की जो रैम है उसको इंक्रीज कर सकते हो। ऐप लॉक का फीचर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। डेडिकेटेड ऐप भी लावा ने ऐड कर दिया है तो यहाँ पर काफी सारे जो स्पेशल
फंक्शन है लावा ने लावा अग्नि 3 के अंदर ऐड करके दिए हैं। अब देखो लावा अग्नि 3 के साथ लावा ने जो अपडेट्स वगैरह का प्रॉमिस है वो भी दिया है कि आपको टाइमली जो अपडेट्स वगैरह हैं वो सारे देखने को मिलते रहेंगे। अब अगर आपने लावा अग्नि 3 को अपडेट कैसे करना है, सेटिंग के अंदर आपने जाना है, सबसे लास्ट में सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे कोई नया अपडेट आया होगा उसको आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और चेक वगैरह करना है तो आप लोग यहाँ से चेक वगैरह भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग लावा अग्नि 3 को भी अपडेट कर सकते हैं। लावा अग्नि 3 जो गेमिंग वगैरह वो भी काफी अच्छे तरीके से करा देते हैं और यहाँ पर आप लोगों को लावा ने डेडिकेटेड जो गेमिंग फीचर वगैरह है वो ऐड करके दिए हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कॉल कॉल का जो फीचर है वो आपको देखने को मिल जाता है, रिजेक्ट कॉल स्क्रीन, रिकॉर्डिंग स्क्रीन शॉट, मेमोरी क्लियर, टर्न ऑफ स्क्रीन। तो इन सब फीचर को यूज करके आप लोग अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी एनहांस कर सकते हो। वैसे यहाँ पर ज्यादा फीचर तो नहीं है लेकिन लावा ने काफी सारे फीचर यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। इन फ्यूचर लावा इनको अपडेट करके और फीचर वगैरह भी यहाँ पर गेम असिस्टेंट में ऐड करेगा और अपने गेम असिस्टेंट को भी इम्प्रूव करेगा। तो गेमिंग फीचर भी है वो आप लोगों को लावा अग्नि 3 के अंदर देखने को मिलते हैं जिनको यूज करके आप लोग अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को हल्का सा बूस्ट कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों इतना इस वीडियो में, ये थे लावा अग्नि 3 5G के 50% इन फीचर एंड टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब अगर आप लोगों को इन फीचर्स के बारे में कुछ और भी जाना है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।